बात करेंगे वाई अ रॉबिन की। ये एक कहानी है जो शशि देशपांडे जी द्वारा लिखित है। मैं इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको एक छोटा सा सोमरी दे दे रहा हूँ इस कहानी के बारे में। कहानी क्या है, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको शीर्षक पढ़कर लग रहा होगा कि वाई अ रॉबिन, रॉबिन कोई लड़का होगा, जबकि नहीं, ये कहानी किसी लड़के पर या फिर किसी पर नहीं, एक महिला पर है, और रॉबिन यहाँ पर एक पक्षी है, समझ रहे हो। तो शुरू करते हैं। शशि देशपांडे जी इसमें एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जो ना घर का काम जानती है, घर का कुछ नहीं जानती, ना ही संबंध को कैसे आगे बढ़ाना है। पढ़ी लिखी तो है, पढ़ी लिखी है, समझदार भी है, लेकिन वह घर के काम को, पारिवारिक जीवन कैसे सही करना है उसे बिल्कुल नहीं पता। उसकी एक 12 वर्षीय बेटी है और उसका एक पति है, जबकि वह दोनों के साथ तालमेल अच्छे से नहीं बैठ पाता। वह अपने परिवार में खिंची खिंची और नीरस सी रहती है, जबकि वह हमेशा निष्क्रिय टाइप में रहती है और रिश्ते से पीछे हट जाती है, कोई भी प्रॉब्लम का रिश्ते में सामना नहीं करती। लेकिन वह अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए, एक पुल बनने के लिए भी तैयार रहती है, उसके मन में ये इच्छा रहती है। और एक दिन ये कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है, माँ बेटी में, पति पत्नी में, रिलेशन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तभी एक दिन उसकी बच्ची को स्कूल में असाइनमेंट मिला, जो कि एक रॉबिन पक्षी के बारे में था। तो उसने पूछा, तो मतलब बेटी ने अपने माँ के पास गई और उसने पूछा कि माँ मुझे बताओ कि ये रॉबिन पक्षी क्या होता है। तो माँ को तो पता था नहीं रॉबिन पक्षी के बारे में, तो वह बेटी का मन रखने के लिए ऐसे ऐसे बातें घुमा रही थी। और उसने अपने बचपन में अपनी दादी की जो कहानी खूबसूरत हुआ करती थी उनके बारे में बताना शुरू किया कि एक मोर था, ऐसे वैसे विदेशी मोर ऐसे बात कर रही थी। तो उसकी बच्ची खींच गई, क्योंकि उसे तो सुनना नहीं था, उसे तो रॉबिन पक्षी के बारे में जानना था। तो वो उठी और काफ़ी उग्र भाव में बोली, माँ तुम्हें कुछ नहीं आता, छोड़ो, ना तुमको समझती हो, और वो अपने पापा के पास चली जाती है। जैसे अपने पापा के पास जाती है, उसकी माँ एकदम दबी सी और दुखी सी हो जाती है, और रिश्तों में दरारें फिर बढ़ जाती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि पति और बेटी ने अपने माँ को छोड़ दिया है, पत्नी को छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह औरत ही अपने पति और बेटी को छोड़ देती है और दूर दूर रहती है, हल्का फुल्का, समझ रहे हो। उसने खुद और यहाँ पर एक बात और की गई है, एक मिनट। उस महिला को ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन दो कमरों में बंद है। दो कमरों का मतलब यहाँ पर कुछ यूँ है कि एक कमरा उसका पति है, दूसरी कमरा उसकी बेटी। औरत को कुछ ऐसा लग रहा था, वो दोनों को सिम्बोलाइज करते हैं। ऐसे ही जीवन चल रहा था। आमतौर पर ये समझ में आता है, इस कहानी में ऐसा ही है, आमतौर पर ये समझ में आता है कि मोर जो था उसकी माँ की बचपन की अच्छी यादें था, जो उसकी दादी सुनाया करती थी। तो जब उसकी बेटी ने बड़े ही उत्साह से रॉबिन के बारे में पूछा था, रॉबिन पक्षी के बारे में, तो उसको तो पता नहीं था कि रॉबिन पक्षी क्या है। तो वह अपने बचपन की खूबसूरत कहानियाँ जो उसकी दादी ने सुनाई थी और मोर के बारे में बताने वाली थी, और अपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत बता रही थी, लेकिन उसकी बेटी कहाँ सुनने वाले थे। दुर्भाग्यपूर्वक उसने ये बात सुना नहीं, और वह धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते हुए चले गए। पति बेटी और पूरा परिवार उस औरत को नीचा ही दिखाता था, मतलब उसे कुछ आता नहीं था, तो हर बात में उसे टोका करते थे। वह अपने आप को बेवकूफ़, मूर्ख समझती थी, इस परिवार में नीरस टाइप में हो गई थी। यहाँ तक उसे तो यूँ लगता था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी जो है वह उससे कहीं ज़्यादा होशियार और समझदार है। लेकिन इन दोनों के रिश्तों के बीच में एक सुधार भी आया। हुआ कुछ यूँ कि जब बेटी को पहला पीरियड्स आया, तो ये एक ऐसी बात होती है जो औरतों को पुरुष से ज़्यादा पता होती है, और उस परिवार में मतलब माँ बेटी और पति के बीच में एक पहली बात थी जो माँ को अपने पिता उसके पिता से ज़्यादा मालूम थी। जब उसको हुआ तो उसकी माँ उसके पास गई, उससे बातचीत की। इससे थोड़ी सी कहानी में परिवर्तन आता है। दोनों एक दूसरे के पास होने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, और माँ अपने अनुभव को अपनी बेटी के साथ साझा करने लगी। तो बेटी ने महसूस किया कि माँ वैसी नहीं है, कहानी यूँ घूमती है। उन दोनों ने बात की, दोनों ने अपने बेटी के मासिक धर्म के बारे में बात की, मोर के बारे में बात की। माँ ने अपनी खूबसूरत दादी की कहानियों को अपनी बेटी के साथ साझा किया। रात भर फुसफुसाहट हुई, मतलब वो दोनों अच्छी खासी और लंबी बातचीत दोनों में चली।
और भी जब बेटी को नींद लगने लगी तो माँ ने उसे अपने बिस्तर माँ ने बिस्तर पर लिटाया और बहुत ही शांत और भरे हुए खुश मन से उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने जीवन में आज सब कुछ अचीव कर लिया। उसे अच्छा महसूस हुआ। बेटी ने अपनी सारी भावनाओं को माँ के सामने खोलकर रख दिया और दोनों के बीच में एक नए सेतु का निर्माण शुरू हो गया। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।